और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या कुछ बदल जाएगा। तो अब तक पूर्ण राज्य रहा जम्मू कश्मीर, 31 अक्टूबर से दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बदल जाएगा। लद्दाख अब बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर विधानसभा समेत केंद्र शासित बनेगा। तो अब तक जम्मू कश्मीर में राज्यपाल पद था, लेकिन अब दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होंगे। जम्मू कश्मीर के लिए गिरीश चंद्र मुर्मू, तो लद्दाख के लिए राधा कृष्ण माथुर को उपराज्यपाल बनाया गया। अभी दोनों राज्यों का एक ही हाईकोर्ट होगा, लेकिन दोनों राज्यों के एडवोकेट जनरल अलग होंगे। सरकारी कर्मचारियों के सामने दोनों केंद्र शासित राज्यों में से किसी एक के चुनने का विकल्प होगा। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में करीब 106 केंद्रीय कानून लागू हो पाएंगे। केंद्रीय मानव अधिकार आयोग का कानून, सूचना अधिकार कानून, एनमी प्रॉपर्टी एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कानून बदलाव होगा। तो वहीं 35 से हटने के बाद केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में जमीन से जुड़े कभी 7 कानून में बदलाव होगा। जम्मू कश्मीर के करीब 153 ऐसे कानून खत्म हो जाएंगे जिन्हें राज्य के स्तर पर बनाया गया था। तो पहले के मुकाबले विधानसभा का कार्यकाल 6 साल की जगह देश के बाकी हिस्सों की तरह 5 साल का होगा। विधानसभा में अनुसूचित जाति के साथ साथ अब अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीट जो है वो आरक्षित होंगी। पहले कैबिनेट में 24 मंत्री बनाए जाते थे और अब दूसरे राज्यों की तरह कुल संख्या 10% जो है वो यहाँ पर जगह दी जाएगी। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले विधान परिषद होती थी, लेकिन अब नहीं होगी। तो राज्य से आने वाली लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा।